हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लाइट नहीं है दोस्तों, इस वजह से आपको अगर बोर्ड पे या मैं अच्छी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा हूँ तो आप एडजस्ट कर लेना। लेकिन मेरी तरफ से जितनी व्यवस्था हो सकती थी उतनी व्यवस्था की। एक बार तो सोचा दोस्तों क्लास ऑफ कर दे, लेकिन दोस्तों फिर क्लास ऑफ करने से तो क्या काम चलेगा दोस्तों, इसलिए आपकी क्लास लगा दी है। लेकिन आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो एडजस्ट कर लेना। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि दोस्तों लाइट नहीं है दोस्तों सुबह से, इस वजह से चलिए क्योंकि लाइट नहीं दोस्तों अब क्या करें। हमने कल दोस्तों कल वाली क्लास के अंदर हमने आठ टाइप किए थे, ठीक है, आठ टाइप किए थे, जिसके अंदर हमने एनालॉजी पढ़ी थी। एनालॉजी के अंदर जीके के आधारित पर, यानी जीके यानी सामान्य ज्ञान पर आधारित पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन किए। आज हम नंबर सीरीज के आधारित, नंबर पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट एक बार बता दीजिए कि कमेंट करके प्रॉपर आवाज आ रही है या नहीं आ रही है दोस्तों, एक बार कमेंट कीजिए। मैं तब तक काफी कमेंट्स चेक कर लेता हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए सबसे पहले आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी जो वर्णमाला है वो भी याद करवाई थी, लेकिन आज भी वर्णमाला वापिस लिखवाऊंगा दोस्तों। जो स्टूडेंट ने कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नहीं देखा वहां पर देख लीजिए, और दोस्तों हमने लिखवाऊंगा दोस्तों आराम आराम से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। यहां पर एम, फिर यहां से शुरू करो दोस्तों, मैं बताऊंगा क्यों करते हैं हम। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। मैं तब तक चेक कर लेता हूँ, आपको सही दिखाई दे रहा है क्या? मेरी छांव तो आ रही है दोस्तों, वो तो बात अलग है, लेकिन और तो सही दिखाई दे रहा है। चलिए चलिए, छांव आ रही है दोस्तों, उसको एडजस्ट कर लेना दोस्तों, क्या करें अब। चलिए एक मिनट दोस्तों, इसको बंद करने पर कुछ फर्क पड़ता है क्या दोस्तों? एक मिनट में आपकी चेक कर लेता हूँ, तब तक आप फटाफट से कीजिए। चलिए इसको फर्क बंद कर दिया दोस्तों, अब छांव कम पड़ेगी दोस्तों, लेकिन कुछ तो पड़ेगी। अब आपको नंबरिंग किस प्रकार दोस्तों, मैं यहां नंबरिंग लिख रहा हूं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस, नंबरिंग लिख ली दोस्तों। अब कुछ स्टूडेंट कहे सर हमने हमें ये याद करवा रहे हो क्या? दोस्तों ये याद नहीं करवा रहा हूँ, केवल नंबर याद करवा रहा हूँ, कौन कौन से दोस्तों कौन नंबर पर आते हैं दोस्तों, ये चीज ठीक है। अब दोस्तों एक तो आप इस मेथड से नंबरिंग याद है तो जिन स्टूडेंट को आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर किसको नंबरिंग याद नहीं है तो दोस्तों आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, नंबरिंग याद कर लो अगर कर सकते हो। नहीं याद कर सकते तो एक फॉर्मूला तो इतना से याद कर सकते हो, इजोटी दोस्तों मैंने बताया था बार बार, क्योंकि उस कोडिंग डिकोडिंग वाले के अंदर पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस, ठीक है। पांच नंबर पर ए, जे अपना 10 नंबर पे, ओ अपना 15 नंबर पे, हाँ ओ 15 नंबर पे रह गया, टी आपका 20, वाई 25 दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना, अब आप पीछे से नंबर याद कीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आप इस साइड से नंबर याद है तो एक आसान तरीका दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए कि क्यू का पीछे से स्थान कौन सा दोस्तों, अगर वर्णमाला को दोस्तों क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा किस प्रकार दोस्तों, अगर वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए और एक से शुरुआत, यानी जड़ से जड़ को एक लिखा जाए और एक को 26 लिखा जाए, तो आप बताइए कि अल कितने नंबर पर आएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप किस प्रकार करोगे दोस्तों। एक तो मेथड यह है दोस्तों कि आप डायरेक्ट 27 में से अल कितने नंबर पर है, अल आपका 12 नंबर पर है तो 12 घटा लीजिए, ठीक है, 15 नंबर पर अल आएगा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ सुनेंगे सर किस प्रकार दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ दोस्तों, ठीक है, यहां से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि विपरीत क्रम में अगर वर्णमाला को लिखा जाए तो आप किस प्रकार उनको लिखोगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट कीजिए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस
24, 25, 26। मैंने बोला था ना दोस्तों कि बार बार बोला था कि ये देखो ए अपना अल आपका 12 नंबर पे आ रहा है दोस्तों, यहां पर बोला था आपको। ठीक है, जिनको याद नहीं दोस्तों वो याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने बार बार बोला था कि ए अपना 12 नंबर 15 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों आप एक साइड से याद कर लो, ये बढ़िया रहेगी, मेरे हिसाब से बेटर रहेगी, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अब आपने लिख लिया 15 नंबर पर आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये नंबर डबल साइड से याद करने की कोशिश मत करो दोस्तों, क्योंकि आप एक साइड से यानी इस साइड से नंबर याद कर लो। आपको पूछा जाए कि यू आपका अगर मान लीजिए दोस्तों, यहां पर मैं डिलीट कर देता हूं, यहां पर आपने नोट कर लिया होगा क्योंकि ये समझाना उद्देश्य था। देखिए आपको पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला को जड़ की साइड से एक लिखा जाए, ए को 26 लिखा जाए, तो जी कितने नंबर पर रहेगा दोस्तों, ये इस प्रकार आ जाए, तो जी आपका 7 नंबर पर आता है, 27 में से 7 घटाइए दोस्तों। ठीक है, 27 में से 7 घटाइए, 20 यहां पर कितने नंबर पर दोस्तों, जी 20 नंबर पर है या नहीं दोस्तों, चेक कीजिए आप खुद आपके सामने। आपको पूछा जाए 27 में से घटाना है क्योंकि 26 तो सारे अक्षर होते हैं यानी एक, फिर यहां पर 26 तो सारे हो गए, फिर एक दोस्तों एक्स्ट्रा ऐड करके फिर 27 में से घटाना है आप सभी को, यानी 26 में से कभी मत घटा देना। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको पूछता हूं दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन है वो करवाता हूं, ताकि आपको शायद नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया दोस्तों तो वीडियो वापिस प्ले करके देख लेना। ठीक है, चलिए किस प्रकार लिखना है आपको, क्या लिखना है दोस्तों, सारा बताया जाएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अक्षर या सादृश्य आधारित क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आपको पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला को जड़ को यानी विपरीत क्रम में लिखते हुए आप बताइए कि अम कितने नंबर पर आएगा दोस्तों, इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है। अब कुछ स्टूडेंट के सर आपने बताया नहीं अम कितने नंबर पर आता है दोस्तों, चेक कीजिए खुद, तो आप कहोगे सर एम आता है 13 पे, एम 13 पे आता है, तो आप 27 में से 13 घटाइए तो 14, 14 नंबर पर एम आया था या नहीं आया था दोस्तों, बताइए आप खुद बताइए, आपके सामने मैंने निकाला था, अगर आपके नोटबुक के अंदर नोट किया तो आप चेक कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए दोस्तों। आपको पूछा जाए कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपको ओ कितने नंबर पर आता है, ओ यानी ओ आता है 15 पे, 15 माइनस 27 यानी 12 नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों, फटाफट से चेक कीजिए। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। चलिए अपना नेक्स्ट टाइप अपना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपना टाइप फर्स्ट था दोस्तों ये, इसके अंदर ये इतना ही मैटर आता है और कुछ भी नहीं आता है। अब दोस्तों कुछ अब आते हैं स्क्वायर के आधारित पर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन करवाता हूं फिर करवाता हूं, जिस प्रकार दो का संबंध आपका 8 से है तो 3 का संबंध क्या होगा दोस्तों, 3 का संबंध ऑप्शन नंबर ए बी सी 3, 9, 27, 26 क्या होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से इसका संबंध किस प्रकार होगा, यह संबंध बताऊंगा क्या किस प्रकार होगा दोस्तों, इसमें संबंध होगा आपका जिस प्रकार आपका यानी 2 की क्यूब हुई दोस्तों, 2 का क्यूब कितना होता है, इतना तो जानते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार 3 की क्यूब कितनी है, 3 की क्यूब होती है 27 दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा, ना कि 9 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के, लेकिन आपको स्क्वायर सारे लिखवाऊंगा दोस्तों 20 तक, क्योंकि 20 तक आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए सभी स्टूडेंट को, क्योंकि आपने दोस्तों मैथ तो पढ़ रहे हो दोस्तों, मैथ सभी एग्जाम के अंदर आती है, मैथ के स्टूडेंट हो दोस्तों, इतनी तो याद होनी चाहिए, शायद सभी को याद है, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से लिखवा देता हूं, क्योंकि मैथ प्रत्येक एग्जाम के अंदर आती है, वहां पर दोस्तों क्यूब हुआ था यानी घन हुआ था। ठीक है, चलिए मैंने स्क्वायर बोला था या क्या बोला था, यानी 2 की क्यूब होती है दोस्तों, ठीक है 8, 3 की क्यूब 27 इस प्रकार। चलिए सबसे पहले हम घन अपना स्क्वायर लिखते हैं, वर्ग या स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले ध्यानपूर्वक सारे स्टूडेंट है वो लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि अभी दोस्तों लाइट नहीं है, आपको अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप प्लीज क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपने मोबाइल की, ब्राइटनेस भी बढ़ा लीजिए साथ में, ताकि आपको यहां पर आपको सही दिखाई दे रहा है लेकिन मैं आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक का स्क्वायर कितना होता है, एक सॉरी एक का स्क्वायर तो एक,
दो का स्क्वायर कितना होता है, फटाफट से कमेंट में चलने दीजिए। चार, तीन की स्क्वायर नौ, चार की स्क्वायर 16, पांच की स्क्वायर 25, छह की स्क्वायर 36, सात की स्क्वायर 49। सर यहाँ पर लिखा दे रही है, चलिए अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए नहीं हटाइए मत, हटाइए मत, चलिए आठ की स्क्वायर 64, नौ की स्क्वायर 81, दस की स्क्वायर 100, ग्यारह की स्क्वायर 121, बारह की स्क्वायर, फटाफट से अपने नोटबुक के अंदर याद होने चाहिए सभी स्टूडेंट को, 20 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। बारह की स्क्वायर आपकी होती है 144, सॉरी दोस्तों 144। तेरह की स्क्वायर कितनी होती है, 1300, तेरह की स्क्वायर 169। चौदह की स्क्वायर होती है आपकी 196 दोस्तों। पंद्रह की, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए पंद्रह की स्क्वायर कितनी होती है, पंद्रह की स्क्वायर होती है आपकी 225। सोलह की स्क्वायर कितनी होती है, सोलह की होती है 256। सत्रह की कितनी होती है, 289। और अठारह की कितनी होती है, 324। उन्नीस की कितनी होती है, मैं साइड में हो जाऊंगा तब लिख लेना दोस्तों, ठीक है 361। बीस की कितनी होती है, 400। इक्कीस की 441। बाईस की 484, दो दिन चार, ठीक है 84। और आपके 23 की 529। चौबीस की स्क्वायर कितनी होती है, 576। हाँ 25 की स्क्वायर 625। 26 की स्क्वायर 676। 27 की स्क्वायर 729। 28 की स्क्वायर 784, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर में दोस्तों मिस्टेक है तो बताना दोस्तों जल्दी जल्दी दोस्तों, ठीक है फटाफट से नोट कीजिए, ठीक है जल्दी जल्दी नोट कीजिए सारे स्टूडेंट एक साथ दोस्तों, सभी लाइक शेयर कमेंट दोस्तों, मात्र आपके पास एक मिनट का टाइम है, एक मिनट में सारे स्टूडेंट लिख लेंगे। चलिए चलिए 784, ठीक है फटाफट से इतना नोट कर लीजिए, तब तक मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आपको सही दिखाई दीजिए, ठीक। चलिए दोस्तों फटाफट से, मोबाइल भी ऑफ हो गया दोस्तों, लाइट नहीं है सुबह से, आप सभी को पता है, ऑफिस ओपन करते हैं दोस्तों फटाफट से। और 29 की स्क्वायर कितनी होती है, 29 की होती है दोस्तों फटाफट से, 29 की होती है 7, सॉरी 841। यहाँ पर दिखाई दे रहा है या सर नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर शायद दिखाई दे रहा होगा। चलिए 29 की स्क्वायर होती है 841 और 30 की होती है 900। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट है, फटाफट से लाइक और शेयर और कमेंट दोस्तों, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, बारिश होने दो इनकी तो, क्योंकि बरसात का मौसम है दोस्तों, बरसात तो लाइक भी बनता है। चलिए लाइक, चलिए सारा नोट कर लिया, मैं स्क्वायर फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूँ फटाफट से। चलिए एक की स्क्वायर एक, दो की चार, तीन की नौ, चार की 16, पांच की 25, छह की 36, सात की 49, अपने 49, आठ की 64 यानी 64, नाइन की अपनी 81 सॉरी 10 की 100 हो जाएगी, ठीक है 11 की 121, 12 की 144, 13 की अपने 169 और अपने 14 की 196,
15 की 225, 16 की 256, 17 की 289, अपने 18 की हो जाएगी 324, और अपने 19 की हो जाएगी 361, 20 की हो जाएगी 400, 21 हो जाएगी 441, 22 की हो जाएगी 484, और 23 की हो जाएगी 529 अपना, ठीक है, और अपनी 24 की हो जाएगी 576, 6 की अपनी 26 की, 25 की हो जाएगी 625, और 26 की हो जाएगी पाँच अपनी सॉरी 676, और 27 की हो जाएगी 729, और अपने 28 की 784, और अपनी 29 की हो जाएगी 841, और 30 की हो जाएगी 900। 30 तक सभी को स्क्वायर याद होनी चाहिए, और कमेंट बॉक्स के अंदर अभी सारी की सारी स्क्वायर टाइप कीजिए, ठीक है। और जिनकी स्क्वायर अपने नोटबुक के अंदर लिख लिख के याद कर करके मुझे अपने व्हाट्सएप पर, मैं ताकि मैं कल बताऊं कि ये इन स्टूडेंट ने याद की थी, ठीक है, इस नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, 8306061093, मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं बोल देता हूं 8306061093, इस पर भेजना दोस्तों, आप व्हाट्सएप कर देना, मैसेज कर देना, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट है, वो याद कर करके दोस्तों अपने अपने नोटबुक के अंदर सभी को 30 तक तो याद होनी चाहिए, तो ज्यादा नहीं है 30, कम है इतनी तो, क्योंकि स्क्वायर तो 50 तक याद हो तो कि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो सके, जिस दिन मैथ की स्टार्ट करूंगा दिन उस दिन याद करवाऊंगा 50 तक, तो चलिए याद हो गया क्या, अब क्यूब लिखते हैं घन अपना, चलिए फटाफट से मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, तब तक आप नोट कर लीजिए। चलिए लिख लिया, चलिए व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लगा नहीं रहेगा सर, चलिए 8306061093 दोस्तों ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप नंबर, चलिए अब दोस्तों बात आ जाती है घन या क्यूब, ठीक है, चलिए दोस्तों वापिस स्टार्ट करते हैं, दोस्तों लाइट बीच में कट हो गई थी, ठीक है, फटाफट से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप भूलो मत, ठीक है, लाइट थोड़ी सी कट हो गई थी लेकिन वापिस जाऊंगा दोस्तों, चलिए फटाफट से जुड़ जाइए। अपने एक क्यूब क्या होती है, एक दो की होती है, आठ तीन की होती है आपकी 27, दोस्तों फटाफट से नोट कर लीजिए फटाफट पहले, ठीक है, आप नोट कर रहे थे, तीन की 27, चार की 64, पांच की 125, छह की 216, सात की अपने 343, आठ की 512, नौ की 729, दस की 1000, 10 तक तो आपके क्यूब और 30 तक स्क्वायर सभी को याद होने चाहिए कल वाली क्लास के अंदर, ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर होमवर्क समझ लो दोस्तों ये, ठीक है, अपना एक से लेकर 30 तक तो सभी को स्क्वायर याद होनी चाहिए, और अपना एक से लेकर 10 तक आप सभी को क्यूब याद होनी चाहिए, इतने में अपना सॉल्यूशन अपने इस टॉपिक में तो हो जाएगा दोस्तों, काम चल जाएगा, लेकिन मैथ के अंदर इतने से काम नहीं चलने वाला है, मैथ के अंदर क्यूब भी आपको कम से कम 20 और ये 50 तक, ठीक है, एक दिन दोस्तों इन सभी की दोनों की क्लास रख के आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, 50 तक के क्यूब और स्क्वायर ये 20 तक, ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए, जिन्होंने नोट नहीं किया मैं तब तक आपको क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों फटाफट से। अब इसके आधारित पर किस क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं वो करवाता हूं, चलिए नोट कर लिया क्या, चलिए नेक्स्ट अपना, चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन की बात आ जाती है, दोस्तों मार्कर दोनों ही नहीं चल रहे, क्या हो गया सभी मार्कर, चलिए दोस्तों देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, दोस्तों दो एक इस मार्कर से काम चलाओ दोस्तों तीन चार दिन, क्या संबंध होगा दोस्तों फटाफट से, ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट से,
17 का संबंध 343 का, तो 21 का संबंध क्या होगा? 441, 444, 484 या 400। जिन्होंने दोस्तों याद कर लिया दोस्तों, अब तो दोस्तों उनको तो आसानी हो जाएगी, जिनके याद नहीं किए वो थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन फटाफट से कमेंट में बताइए दोस्तों क्या बनेगा, किस प्रकार बनेगा। देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है? 343 होता है, आप सभी को पता है, याद करवाया था बार बार। सॉरी, 343 में 3 की 7 की ये तो होती है दोस्तों 189 दोस्तों, ठीक है 189, सॉरी 289, माफी चाहूंगा दोस्तों 289। 17 की अपने स्क्वायर थे 289, तो 21 का संबंध किस प्रकार? 21 की स्क्वायर होती है 441, ये बन जाएगा। चलिए यहाँ पर 289 कर लेना, ठीक है, वहां पर मैंने 7 की क्यूब लिख दी थी, चलिए नोट कर लिया। चलिए नोट करने वाली बात भी नहीं दोस्तों इसके अंदर। चलिए कुछ क्वेश्चन और करवाता हूँ फटाफट से, अब ऑप्शन नहीं लिखूंगा दोस्तों फटाफट से। जिस प्रकार अपना 4 का अपना संबंध 64 से है, तो आप 8 का संबंध बताइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, जिस प्रकार 9 का संबंध 729 से है, तो आप 6 का संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फटाफट से नोट कीजिए और आंसर दीजिए। 3 का संबंध 9 से है, तो आप 29 का संबंध बताना है। यह जल्दी जल्दी दोस्तों, नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है फटाफट से कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास है दोस्तों। चलिए क्या बन रहा है दोस्तों? 4 की स्क्वायर कितनी होती है? सॉरी, 4 की क्यूब कितनी होती है? 64 होती है ना। इसी प्रकार 8 की क्यूब कितनी होती है? 512। याद करवाया था, अपनी नोटबुक के अंदर लिखा था क्या आपने? अपने 9 की क्यूब होती है 729, तो 6 की क्यूब कितनी होती है? 216। उसी प्रकार 3 की स्क्वायर 9 है, तो 29 की स्क्वायर कितनी होगी? 29 की स्क्वायर होती है दोस्तों 841, ठीक है। ये चीज थी दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्लास है दोस्तों फिक्स 6 बजे, इसलिए इस क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो नया इवेंट बना हुआ है, ठीक है, नए इवेंट से शुरू करेंगे। चलिए सभी दोस्तों का एक बार फिर से दही दिल से धन्यवाद, क्योंकि अपना एनालॉजी का पार्ट 2 था ये, अपने कल लिया दोस्तों, इसके अंदर टाइप हो रहा है क्या दोस्तों?